तिलकवाड़ा नगर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अंतर्गत आज जागरूकता कार्यक्रम के भागरूप वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तिलकवाड़ा नगर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अंतर्गत आज जागरूकता कार्यक्रम के भागरूप वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। भारत देश में 70% लोग ग्राम्य विस्तार में तंबाकू यानी कि धूम्रपान के आदि बने हुए हैं। ऐसे में ग्राम्य विस्तार को स्मोक फ्री करने पर केंद्रित करते हुए आज फेथ फाउंडेशन द्वारा तिलकवाड़ा नगर के ग्राम्य विस्तार को स्मोक फ्री बनाने के आशय से विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में तिलकवाड़ा तालुका विकास अधिकारी रमेश भाई बड़जोत की उपस्थिति में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो वहीं कोरोना वायरस की महामारी के बीच तमाम सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तिलकवाड़ा तहसील के छोटे छोटे गांवों को स्मोक फ्री करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन करते हुए तिलकवाड़ा तहसील के 41 इतने ग्राम पंचायत को स्मोक फ्री बनाने के लिए कामगिरी जारी की गई थी। फेथ फाउंडेशन तालुका डेवलपमेंट ऑफिस और आरोग्य विभाग तालुका पंचायत के सहयोग से आज हमने यहाँ 17 तैराकियों की ट्रेनिंग रखी है। ये ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कि तंबाकू नियंत्रण कायदा के हिसाब से पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना एवं स्पिटिंग करना कानूनन गुनाह बनता है। तो हम चाहते हैं कि स्मोक फ्री विलेज कैंपेन के अंतर्गत सारे विलेज लेवल पे हम एक मूवमेंट कर पाए जहाँ पे स्मोक फ्री विलेजेस हम बना पाए। स्मोक फ्री विलेज बनाना मतलब क्या होता है कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मोकिंग जो इंडिविजुअल करता है उससे ज़्यादा परोक्ष, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोक बोलते हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। इस करके बच्चों को और औरतों को भी लंग कैंसर्स वगैरह कैंसर्स होने की चांसेस ज़्यादा हैं। इस समय में मतलब कोविड के टाइम्स में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना कि सिर्फ शहर में काम करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करें, पर गांव में ये कैंपेन चलाएं, क्योंकि स्पिटिंग एंड स्मोकिंग दोनों से ही कोविड का फैलावा ज़्यादा बढ़ता है। एंड स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पे टोबैको की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से और सिगरेट और बीड़ी स्मोकिंग करने की वजह से कोविड का फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हम ये मैसेज के साथ और ये ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है कि तलाकी अपने गांव में ये एक कायदा इम्प्लीमेंट करवा पाए, जिसको हम स्मोक फ्री विलेजेस कैंपेन का नाम दे रहे हैं, जो सेक्शन 4 कोटपा पे आधारित है और ये हर गांव में किया जाए। हमने अभी देखा कि 97 विलेजेस हैं तिलकवाड़ा के। हमने TDO सर के सहयोग से और THO आरोग्य विभाग के सहयोग से हम चाहते हैं कि हम 97 गांवों को स्मोक फ्री पंचायत या स्मोक फ्री विलेजेस अनाउंस कर पाए। गांव के किसी भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग या स्पिटिंग नहीं किया जाता है। एंड कोविड को रोकथाम करने के लिए जो जन आंदोलन का पैगाम हमारे मोदी साहब ने दिया है, उसको हम सपोर्ट कर पाए, इसलिए आज हमने ये ट्रेनिंग का आयोजन किया। आपका नाम मैडम? सुजन अनंत। RR बड़जोड़, तालुका विकास अधिकारी तिलकवाड़ा, जिले नर्मदा। आज तिलकवाड़ा तालुकाना तलाटी कम मंत्रीश्रीओनी फेस फाउंडेशन संस्था मार्फते धूम्रपान निषेध अंगेनी तालीम राखवामां आवेली। ग्राम्य कक्षाए धूम्रपान जे लोको करता होय छे एमना धूम्रपान थी जे रोगो थाय छे ते रोगो नो अटकाव थाय अने लोको सारू स्वास्थ्य जीवन जीवे एना माटेनी आजे तालुका पंचायत खाते अने तालीम राखवामां आवेली।